परसेंटेज के क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। एकदम गजब का क्लासेस चल रहा है और आप लोगों ने अभी तक जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया हुआ है उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन अब आने वाला है। तो एक बार फिर से जुड़ जाइए हमारे साथ career.com के यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ा रहे हैं परसेंटेज और ये है क्लास नंबर 5। तो आप 1 से लेकर 5 तक के सारे वीडियो को देख सकते हैं आपके यूट्यूब में। तो आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। तो बोलता है श्रोताओं से 1/6 भाग पुरुष और 1/3 भाग महिलाएं हैं। तो 1/6 भाग और 1/3 भाग अगर महिलाएं हैं, मतलब ये मैन है और वुमेन है, तो अगर ये दोनों को हम लोग बात करें तो ये एलसीएम 6 हो गया, 1 और 2 मतलब हो गया 3/6 भाग महिलाएं और पुरुष ले लिया, मतलब हाफ हाफ भाग महिलाएं और पुरुष है। तो बोलता है कि बाकी जो है वो बच्चे है, तो बच्चों का प्रतिशत क्या है? तो आधा अगर महिलाएं हैं और पुरुष है तो आधा तो क्या हो जाएगा, बच्चे होंगे। तो यानी शेष जैसे 2 भाग में 1 भाग महिलाएं और कौन है, पुरुष है, तो 1/2 भाग बच्चे होंगे। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना है, तो कभी भी परसेंटेज में चेंज करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 50% अगर उन लोग हैं यानी महिलाएं और मेन्स है तो बच्चे जो है वो 50% है। आंसर लिखिए 50%। क्वेश्चन नंबर 81, 82। दो संख्या का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो ठीक है, अगर बोला है कि दो संख्या का अंतर जो देखा जाएगा, ए और बी का जो अंतर देखा जाएगा, उस अंतर में क्या बोला है, वहां पे जो बड़ी संख्या होगा उसके 20% के बराबर हो जाएगा ये अंतर। अब उसमें एक संख्या 20 दिया हुआ, यानी छोटी संख्या 20 दिया है, तो हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या 25 होगा, कह सकते हैं, मान लेते हैं। तो 20 और 25 में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। तो ये 5 का जो अंतर है, ये जो 5 का जो अंतर है बड़ी और छोटी संख्या में, अगर हम बात करें ये 5 का जो अंतर है, तो वह क्वेश्चन पूछा था कि बड़ी संख्या के 20% के बराबर होगा। तो क्या ये बड़ी संख्या के 20% के बराबर है? तो 25 का 20% जब भी निकालेंगे, 25 का 20% जब भी निकालेंगे तो 5 ही आएगा, 25 का 20% जब भी निकालेंगे तो 5 ही आएगा। निकाल के देख सकते हो, 20% निकालना का मतलब संख्या को 5 से भाग देना, तो 25 को भाग देंगे 5 से तो 5 ही आएगा, यानी तुम्हारा सही हो गया कि बड़ी संख्या जो होगा वो 25 ही होगा। तो इसको हम आसानी से ऑप्शन के आधार पे बना सकते हैं, नहीं तो इसको अगर डिटेल्स में अगर बनाना चाहते हो तो लिखो दो संख्याओं का अंतर जो है वह पहली संख्या के 20% के बराबर है, और 20% के बराबर यानी पहली संख्या के 20% के बराबर है। तो 20% मतलब 20/100 यानी 1/5। अब यहाँ पर छोटी संख्या का वैल्यू दिया है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे x/5, सॉल्व करेंगे 5x-100 = x, तो 5x में x जाएगा, 4x = 100, 4 से काट दो 25 बार में, यानी x का वैल्यू 25, बड़ा संख्या 25 होगा, ऑप्शन है। तो दोनों तरीका से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में देख के तुरंत ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए के आय का 5%, ए का जो 5% होगा वह बी के 15% के बराबर होगा। इसका रेशियो का बात अगर करें तो ये हो गया 15 और 5, जिसको कहा जाता 3:1। फिर बोलता है बी का 10% जो होगा, बी का जो 10% होगा वह सी के 20% के बराबर होगा, यानी रेशियो का जो बात करेगा वह 20 और 10 में जो रेशियो बनेगा वह होगा 2:1। आगे क्या बोला है, यदि सी की आय 2000, और तीनों को एक साथ लिख देते हैं ए बी और सी, 3:1, 2:1 क्रॉस करके जिगजैग लगा के 6:2:1। अब ए का वैल्यू सी का 2000 दिया है, एक ये दिया है 2000 रुपया, तो अगर ये 2 है तो ये भी तो 2000 गुना होगा,
तो 2000 गुना 2 है, यानी इसका वैल्यू 4000 होगा, और ये भी तो 2000 गुना होगा, यानी ये 6 गुना 2 12000 होगा, तो 12000 लिख दो इसका, तो इसका वैल्यू हो गया 12000। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, पूछा था कि ए बी सी के आय का योग, तो 12 4 16 2 18, यानी आंसर होना चाहिए 18000। अगर ऑप्शन में है तो देख लीजिए, तो 6 2 8 1 9 9 2 18000 ऐसे भी कर सकते हैं, इसका 6 हिस्सा, इसका 2 हिस्सा 8 हिस्सा, इसका 1 हिस्सा 9 हिस्सा, 9 हिस्सा मतलब 1 हिस्सा का वैल्यू 2000, तो 9 हिस्सा का वैल्यू कितना 18000। तो ऐसे भी आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 84, एक परीक्षा में पास होने के लिए 55% अंक पाने चाहिए, एक विद्यार्थी 520 अंक लाया और 5 अंकों से फेल हो गया। देखो मतलब पास का जो मार्क है वह है तुम्हारा 55%, 55% में कोई पास कर सकता पास मार्क, एक आदमी बहुत मेहनत किया और 520 अंक लाया, और लेकिन जब रिजल्ट देखने गया तो बोल दिया कि तुम फेल कर गया, कितना परसेंट से, 5% से। तो इसका मतलब क्या समझा, इसका मतलब कि 55% मतलब 520 प्लस 5%, तो परसेंटेज के तरफ परसेंटेज लाइए, 55 में 5 गया, यानी 50% 520 को बता रहा है, तो आपसे पूछ रहा है टोटल पूर्णांक 100% का वैल्यू, टोटल पूर्णांक, तो कितने अंक चाहिए टोटल अधिकतम, तो 50 का ये डबल हो रहा है, तो ये भी तो 2 गुना होगा, तो 520 का 2 गुना होता 1040, 1040 सी नंबर आपका आंसर होगा। तो सीधा सीधा ये देख सकते हो कि 5% कम लाया, यानी 55 में 5 कम लाया, तो बोलोगे ना 50% लाया, अब 50 बराबर तुम लिख सकते हो 520, तो 100 का वैल्यू कितना होगा 1040 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक धनात्मक संख्या का 15% था, उसी के 10% का योग 70 है, मतलब एक संख्या उसका 10% एक बार लिए और एक बार 15% लिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 25% होगा, और यही 25% का वैल्यू दिया है 70, तो इसी संख्या का 2 गुना, मतलब संख्या अगर 100 है तो 2 गुना मतलब 200 है, तो 200% का वैल्यू कितना होगा, 25% का वैल्यू 70, तो 200% का वैल्यू कितना, तो 25 8 200 होता 8 बार में, 25 के पहाड़ा में 8 बार में 200 होता, 4 बार में तो 100 होता, तो 8 बार में 200, तो 7 का 8 गुना लिख दो, 8 7 56 560 होता है, 560 अगर ऑप्शन में है तो टिक कर लो आंसर, समझने वाला क्वेश्चन था, बाकी कुछ इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी आरंभ में किसी वस्तु का उसके लागत से 10% की वृद्धि करती, मतलब 100 का सामान में वह 10% बढ़ा के रखा, लागत मूल्य 110 किया बेचता, उसके बाद वह उसकी कीमत में फिर 10% की कमी कर देता, 10% फिर कमी कर दिया, तो 110 का 10% कमी होगा, यानी 10% मतलब 11, यानी बेचा कितना 110 में 11 मतलब 99। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि व्यापारी को कितना परफेक्ट लॉस या हानि हुआ, तो 100 का सामान आज 99 में बिक रहा है, तो ये तो लॉस हुआ, कितना का, तो बोलोगे 1 का, कहां से 100 से, तो 1% का लॉस हुआ, यानी 1% का हानि हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बोलता है किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी ए तथा बी ने चुनाव में मतदान सूची में दर्ज 32 में से 10% भाग नहीं लिया। देखो जरा इस क्वेश्चन में दिमाग लगा, मत सोचना कि हमारे पास टोटल जो वोट था उस टोटल वोट का नाम है 100%, इस 100% में 10% वोटिंग देने नहीं गया, तो वोटिंग तो मात्र हुआ 90%, यानी जीत हार जो हुआ 90%, इस 90% में जो विनर है वह दर्ज का मतलब जितना टोटल वोटर है उसमें विनर को मिला 47%। तो तुम बोलोगे ना कि लूजर को कितना मिला होगा, तो भाई लूजर को मिला होगा 90 में, यानी 10% उस 47% अगर उसको मिला टोटल, क्या बोला सूची में दर्ज मतलब जो वोटर लिस्ट में जो है उसका मिला है इसको 47%, वोटर लिस्ट में जो है उसका 47% मिला है, तो हम कह सकते हैं ना कि जो लूजर होगा
उसको कितना मिला होगा, तो 90 में से 47 घटा देना, 90 में घटाना है, क्योंकि 10% आदमी तो घर में सुतल है, वो तो वोट देने गया नहीं, तो जो वोट नहीं देना गया उससे तो जीत हार हुआ नहीं होगा, तो 47 में से 10, 90 में से 47 घटाएंगे तो 43% जो आया उस वह मिला हारने वाले को। तो तुम बोलोगे जीत हार कितना परसेंट से हुआ, 4%। अब साथ ही साथ बोला है कि जीत हार हुआ 308 मतों से पराजित कर दिया, मतलब 308 वोटों से वह जीत गया, और उसमें से 60 मत अवैध घोषित हो गया। मतलब बोल तो रहा 308 वोट से हम जीते हैं, उस 308 के साथ साथ ये भी तो बोल रहा है कि देखो ये तो आ गया जीतने वाले के पास, ये आ गया हारने वाले के पास, तो 47 और 43 90, 10 आदमी वोट देने नहीं गया तो अवैध कौन हुआ, उसी 90 में से ना 60 आदमी का अवैध हुआ, तो वह वोट तो विनर के पास नहीं आया होगा, विनर तो अवैध वोट को नहीं गिना होगा, उसको तो ऐसे ही छोड़ दिया होगा, यानी इसमें से 60 वोट जो है ना वह इनवैलिड वोट है, जो किसी के पास नहीं है, तो वह वोट घटा के हम बोलेंगे एक्चुअली वह कितना वोटों से जीता है, तो 4% बराबर 200 घटा रहे हैं 8, और 6 में से 10 या 4, और ये 248 वोट, यानी एक्चुअली वह 248 वोट से ही जीता है, क्योंकि 60 वोट तो अवैध हो गया। तो बोलता है कुल मतों की संख्या, टोटल कितने वोट थे, टोटल मतलब 100%, तो 100% का वैल्यू कितना था, तो क्रॉस कर दो, आंसर आएगा 100 × 248 / 4, 4 से काट सकते 6 2, मतलब 6200 वोट था आंसर, तो टोटल वोटर थे 6200 आंसर। 60 इसलिए घटाए क्योंकि 60 ना तो इसके पास था ना इसके पास था वोट, वो तो जीता 308 वोट से, लेकिन उस 308 वोट में 60 वोट तो अवैध था, वो किसी के पास नहीं था, इसलिए घटा दिए। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में ए को बी से कितना मिला, 10% कम अंक मिला, मतलब ए ने बी से 10% कम अंक मिला, ए जो है बी से 10% कम, मतलब 100 के जगह में इसको 90 मिला, इसको रेशियो कहा गया 9:10। फिर बोला है बी ने सी से 25 ज्यादा मिला, बी को सी से 25 ज्यादा मिला, 100 से 25 ज्यादा 125, इसको कहा जा सकता है 5:4। और आगे क्या बोला है, सी ने डी से 20%, सी ने डी से 20% कम, सी ने डी से 20% कम, तो 100 से 20% कम मतलब 80, यानी 4:5। तो ए को अगर 500 में 300 अंक मिला तो दुई को कितना परसेंट, अब सबको एक साथ लिखना है ए बी सी और डी, तो ए का वैल्यू 9 10, जहां जहां नहीं है वहां वहां बॉक्स, ये 5 4, जहां नहीं है वहां बॉक्स, और 4 5, जहां नहीं है वहां बॉक्स, तब जाके बनेगा रेशियो। तो बताइए 10 के बगल का खाली प्लॉट है तो 10 का कब्जा रहेगा, उसके बाद भी एक प्लॉट खाली है तो उसमें भी 10 ही बैठेगा, 4 के बाद का है तो 4 बैठेगा, 5 से पहले है तो 5 बैठेगा, यहाँ 4 बैठेगा, यहाँ 4 बैठेगा। अब इसको अगर हम लोग गुना करेंगे, 5 × 4 = 20, 20 × 9, 5 × 20 = 9, 120, 5 × 20 = 9, 20, 9 गुना है तो 9 से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 9 × इसको 9 से 9, 5 × 20 और 20 × 9 180, यहाँ पर 5 × 20 = 10 200, यहाँ पे 4 × 16 = 10 160, यहाँ पे 4 × 5 = 20 20 × 10 200, तो यहाँ से 10 10 10 कैंसिल, फिर कटेगा, इसमें कटेगा 9 10 8 और 10, 9 10 8 10, यानी तुम्हारा रेशियो बन गया 9 10 8 10। अब बोलता है एक को 500 में 360 मिला, एक को जो वोट मिला है 360 मिला है 500 में, तो इसको परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे तो 5 से भाग देंगे 7 और 2, यानी 72% वोट मिला है, 5 × 7 = 35, 5 × 10, 72% ए को वोट मिला है, तो ए को तो डी का मतलब 9 का वैल्यू तुम्हारे अनुसार 9 का वैल्यू 72 दिया है, यानी 8 गुना 9 8 72 8 गुना,
तो तुमसे पूछा जा रहा है डी को कितना अंक मिला, तो डी का 8 गुना करेंगे तो वो आएगा 80%। तो आपका ऑप्शन में देखो 80% दिया हुआ, किसके पास है? बी के पास, तो बी सही हो गया। तो ए बी सी डी चारों का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, अब इसी में आधार पर ये क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, बन जाएगा। चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती, यानी 100 रुपया का जो चीनी था आज 60% बढ़ गया, तो 60% बढ़ा चीनी मतलब बढ़ के हो गया 160, मतलब अच्छे दिन आ गए, चीनी के दाम बढ़ गया, मतलब अच्छे, अब तुम अच्छे दिन का मतलब क्या होता है, महंगा महंगा चीज खरीदने लगे तो अच्छे दिन आ गए, अब तुम 100 kg वाले 100 रुपया वाला चीनी खरीदा, 160 वाला चीनी खरीदा, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो समझ लो कि अच्छा दिन है। अब देखो बोलता है एक व्यक्ति चीनी के उपभोग में कितना परसेंट कटौती कर दे जिससे उसका वही नहीं खर्च हो, मतलब वह बोला कि नहीं हम पहले भी 100 का चीनी लाते थे आज भी 100 का चीनी लाएंगे, तो खपत कितना कम करना पड़ेगा, कितना उपभोग कम करना पड़ेगा, कितना चीनी कम खाएगा, तो तुम बोलोगे ना 60 कम खाएगा, तो 60 कहां से कम होगा, 160 से, और परसेंटेज के लिए 100, तो यहां से 0 कैंसिल, 3 बार में 8 बार में 4 × 2 = 8 25 बार में, यानी 75/2%, देखो ऑप्शन दिया होगा 75/2% सी नंबर। नेक्स्ट में आता है एक्स की आय वाई की से 20% अधिक है, एक्स जो है वाई से 20% अधिक है, मतलब 120, इसको कहा जाता है 6 और 5, तो बोलता है वाई की आय एक्स से कितना परसेंट कम है, वाई की आय एक्स से कितना परसेंट कम है, तो बात कम का हो रहा तो एक कम है, तो कम का जब बात हुआ तो बोलोगे एक कम है, किससे कम है, कौन कम है, वाई कम है, किससे कम है, एक्स से कम है, और परसेंटेज के लिए 100, तो यहां से काटिए 2 बार में 3 बार में 50 बार में, तो इसी को कहा जाता 50/3%, ऑप्शन दिया होगा 16.2/3% कम है या नहीं, हाँ है, तो टिक करते चलो, कुछ नहीं करना है, आसानी से बनते चलना है। यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि करती है, फिर से वही क्वेश्चन कि 100 में 50% बढ़ गया, तो 100 में अगर 50% बढ़ गया तो 150, तो इसकी खपत कितना परसेंट कम कर दी जाए कि वही में कोई प्रकार की खर्च ना हो, मतलब 100 रुपया में सब कुछ होना चाहिए, फिर से जो चीज हो रहा था 150 रुपया, भले 100 रुपया का तुम चीनी लाते थे, आज 150 रुपया का हो गया है दाम, तुम बोला उससे हमको कोई मतलब नहीं, पहले भी हम 100 का चीनी लाते थे आज भी 100 का चीनी लाएंगे, इसका मतलब आपका उपभोग कम हुआ है, कितना कम हुआ नहीं मालूम, वही तो निकालना है, तो यहां से तो पता चल रहा है कि 50 कम हुआ है, तो 50 तो कम हुआ, तो कितना परसेंट खपत कम हुआ, तो 50 कम कहां से कम हुआ है, 150 से, और परसेंटेज के लिए 100, 3 बार में काटोगे तो 100/3% को कहा जाता है 1/3%, अच्छा कितना भाग बोला तब तो एकदम आसान हो, परसेंटेज भी नहीं बोला, कितना भाग कम किया, कम केवल पूछा है, तो 50/150 यानी 1/3 भाग, 5 × 3 = 15, 1/3 भाग, 1/3 भाग कहाँ है, बी नंबर में, परसेंटेज बोलता तो 100 से गुणा कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है एक नगर की जनसंख्या 1500, इसमें पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या, मतलब मैन जो है मैन पुरुष उसमें 8% वृद्धि हुआ है, वुमेन्स जो है महिलाएं उसमें 10% वृद्धि हुआ है, और टोटल जो था 16300 हो गया, कहां से, तो 15000 से, तो 15000 से हुआ, तो तुम बोलोगे ना क्या बोलेंगे कि हमारा टोटल जो इंक्रीज हुआ, टोटल जो वृद्धि हुआ 1300, 1300, तो 1300 हुआ, 16000 से 15000 से 16000 हो गया, 1300 हो गया, ये बढ़ा कहां से, बढ़ा 1500 से, बढ़ा 15000 में बढ़ा, परसेंटेज के लिए 100, टोटल वृद्धि, टोटल कितना बढ़ा, 16300 हो गया 15000 में, तो टोटल 1300 बढ़ा कितना में, 15000 में, तो 2 0 यहां से कैंसिल, 1 0 यहां से कैंसिल, तो हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 130/15% बढ़ना, 5 से काट देंगे, 5 × 2 = 10, 6 × 5 = 30, 26 बार में काटेगा, कैसे कटेगा भाई, तो 5 से कटेगा 26 बार में और 3 बार में, यानी 26/3% टोटल बढ़ा, तो एलिगेशन में बोलता है कि जो टोटल है वह कहां बैठेगा, बीच में, बाकी का काम तुम लोग कई बार किए हुए हो,
इस तीन को हटाने के लिए इसको भी तीन से गुना, इसको भी तीन से गुना, इसको भी तीन से गुना, तीन तीन कैंसिल, तो 8 × 3 = 24%, इधर 10 × 3 = 30%, आ इधर हो गया 26%। तो 24 और 26 में 2 का अंतर, 30 और 26 में 4 का अंतर, यानी रेशियो हो गया 2:1। तो अब यहां पर देखा जाए तो टोटल हो गया कितना, 15,000। अब इस 15,000 को भाग देंगे 3 से तो हो गया 5,000। तो पूछा गया, क्या पूछा गया है, तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या, तो वुमेन्स, तो एक भाग का वैल्यू है, तो 1 × 5,000 तो कितना होगा, 5,000 होगा। इधर वाला पूछा है तो 1 को 5,000 से गुना कर दो, इधर तो एक ही भाग है ना, तो 1 × 5,000 तो क्या लिखोगे, 5,000, यानी 2:1 है, 2:1 है, तो 1 को अगर हम 5,000 से गुना करेंगे तो इधर हो गया 5,000 और इधर हो गया 5,000 गुना 2 यानी 10,000। तो पूछा गया था कितना है, 5,000, लिख दो, टिक कर दो 5,000, यानी इनडायरेक्टली ये किस पे बनेगा, आपका एलिगेशन पे। तो परसेंटेज निकाल के एलिगेशन निकाल लो, अगर कोई बोलेगे कि परसेंटेज ना निकाले तो कैसे एलिगेशन लगेगा, तो भी लगेगा, ध्यान दो। एक तरीका और एलिगेशन लगाने का हम बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे दिखाते हैं अभी, एक तो हो गया ऐसे, एक तरीका और है कि टोटल जनसंख्या 15,000 है, मान लेते सबके सब पुरुष ही होता 10% बढ़ा, पुरुष कितना बढ़ेगा 8%, सिर्फ पुरुष ही बढ़ता तो 15,000 में महिला ही नहीं बढ़ता, सिर्फ पुरुष बढ़ता, मेन ही सिर्फ 8% बढ़ता, तो 15×8 = 120, 1200 बढ़ता, तो 1200 अगर पुरुष बढ़ता तो 15,000 तो हो जाएगा 16,200। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या करना है कि 1500 का 8% हो गया 1200, तो 16,200। आप उसके बाद बोला है कि इसका अगर हम लोग पूरा का पूरा अगर पुरुष ही बढ़ता, मतलब ये तो पुरुष बढ़ा तो 8% बढ़ा, अगर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं बढ़ते 10%, तो 10% किसका बढ़ता, 15,000 का, तो 1500 अगर बढ़ता तो हो जाता 15×16,500। अब ये बोला कि ना इतना बढ़ा ना इतना बढ़ा है, टोटल बढ़ा है 16,300, तो 16,300 जो बढ़ा है उसको कहाँ रखेंगे, बीच में, तो रखिए 16,300 को हम लोग कहाँ रखेंगे, बीच में, तो 16,000 ये हो गया तुम्हारा 16,300, क्या रखेंगे 16,300 जो आएगा 16,300 ये यहाँ पे आ गया। अब इसमें एलिगेशन लगाई 16,200 में 16,300 जाएगा तो 100, इधर 500 में 300 जाएगा तो 200, यहाँ पर रेशियो आ गया 2:1। और टोटल जो दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ 15,000 है, अब इस 15,000 को बांट लीजिए 2 और 1 = 3 में, 3 से काट लीजिए 5,000, तो ये हो गया 5,000। तो पूछा गया था स्त्रियों की संख्या, वुमेन्स का संख्या कितना था, महिलाओं की संख्या कौन था, 10% वाला था, यानी इधर है, तो 1 को 5,000 से गुना कीजिए तो आंसर आ गया 5,000, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 92 में 5,000 है, दोनों प्रोसेस से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सी की आय 20 से 20% अधिक है, सी जो है वह 20 से 20% अधिक है, 100 से 20% अधिक 120, और बी की आय ए से 25% अधिक है, बी की आय जो है ए से 25% अधिक, तो 100 से 25% अधिक, मतलब 125 हो गया। तो बोलता है सी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, तो इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 4 हो गया, जिगजैग में आइए, 6 × 5 = 30, 25 = 20, काट के और छोटा कर सकते हैं कि 6, 5, 4। अब तुमसे पूछा क्या गया है, सी की जो आय है ए से कितना परसेंट अधिक है, तो सी अधिक है या नहीं, तो दिख रहा है अधिक है, कितना अधिक दिख रहा है, 2, किससे अधिक है, 4 से, और परसेंटेज के लिए 100, तो 2 से काटिए और ये हो गया 50 बार में, आंसर हो गया 50% अधिक है। तो आपका ऑप्शन देखिए दिया होगा बी नंबर में, 50% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि किसी नगर की जनसंख्या 5% के दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी तो 4 साल बाद पूछा है, तो अभी की जनसंख्या 1,60,000,
और 5% करके 4 बार बढ़ा है तो 4 घर बढ़ा बना लेना है, और 4 5% बढ़ा तो 100 में से 5 बढ़ा तो 105, फिर 100 में से 5 बढ़ा 105, फिर 100 में से 5 बढ़ा 105, 100 में से 5 बढ़ा 105। अब इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 1 2 2 0, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा हुआ है 150 नहीं 105, लास्ट वाला में भी क्या है 105, सब जगह 5 5 ही बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी 105 हो गया। अब काटिए 5 से तो 21 बार में तो ये हो गया 20 बार में, इसको भी काट दीजिए 5 से तो 21 बार में तो ये हो गया 20 बार में। अब क्या है, अब कौन कटेगा, 5 से काटिए, 5 से काट रहे हैं 5 चुके 20, 5 से काट दिए 21 बार में, फिर 5 से काटे 4 बार में तो ये भी कट गया 21 बार में। अब 4 से काट दिए, 4 4 16, ये पूरा 16 कैंसिल हो गया। तो आपको क्या करना है, 21 गुना 21 गुना 21 चार बार करना है तो 21 गुना 21 होता है 441, तो 441 × 441 यानी 441 का अगर आपको स्क्वायर मालूम है, 441 का अगर आपको स्क्वायर अगर मालूम है तो आंसर आसानी से आ जाएगा। तब स्क्वायर निकालने सीखे हैं, 3 डिजिट का नहीं देखे तो वीडियो में देखो, वीडियो दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर लिखा जाता है 01, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, फिर होता है एक दूसरे से गुना करके डबल करना, तो 4 को 1 से गुना करेंगे 4, 4 का डबल कितना होता है 8, अब फिर 4 को 1 से गुना किए 4, 4 का डबल हो गया 8, अब कौन कौन गुना नहीं हुआ, 4 के 4 साथ 4 4 16, 16 का डबल 32, अब इसको जोड़ दीजिए आपका आंसर आ गया। तो क्या होगा जोड़ के, 1 का 1 आया, 8 का 8 आया, 8 से 4 हुआ, 2 1 3 और 1 4 हुआ, 6 3 9 हुआ, 1 और 1 2 हो गया, तो आंसर हो गया 6 3 9, 1 का 1 ही होगा, 2 का 1 ही होगा, तो आपका 1 ही आएगा। तो 1 अगर आ जाएगा तो हमारा आंसर आ गया, क्या हो गया आंसर, यहाँ पर हो गया तुम्हारा 6 का 9 गया 1 का 1, तो 194481, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर है। यानी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्क्वायर निकालना 441 गुना 441 194481, ये आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, एक विक्रेता का कमीशन 10,000 तक सभी बिक्री पर 5% और उससे अधिक पे सभी बिक्री पे 4% है, उसने अपना कमीशन काटने के बाद अपनी कंपनी को इतना रुपया दिया, मतलब अगर आप 10,000 तक का सेल करवाते हैं कंपनी को, सामान बेचवाते हैं तो आपको 5% कमीशन देगा, और अगर उससे ज्यादा का सामान बेचवाते हैं तो कंपनी को आप कंपनी आपको 4% का क्या देगा, 4% कमीशन देगा। एक आदमी को मिला है कमीशन काट के कंपनी को, इन लोग लौटाया 31,100, यानी 10,000 तक में 10,000 का जो पैसा है उसका तो ये 5% कमीशन काट के मिल दिया होगा, 5% तो मिला होगा कि 10,000 तक 500, यानी 500 रुपया कमीशन पे गया होगा, तो 10,000 में से 500 कमीशन में चला गया, यानी उसमें से 9,500 उसका कंपनी को दिया इन लोग कमीशन देने के बाद। यानी 10,000 का सामान तुम बेचा होगा कोई कपड़ा दुकान में, तुम काम कर रहे हो, अगर 10,000 का सामान तुम सेल करवाया तो तुमको 500 रुपया मिलेगा, 9,500 कंपनी के पास जाएगा, तो कंपनी के पास गया है 31,100, इस 31,100 में 9,500 तो भाई कमीशन ले लिया है, इतना तो 10,000 वाला है, तो पहले 31,100 में 9,500 पहले माइनस कर देते, तो 0 का 0 6 0 का 0 6 5 11 9 और 1 10, और इधर हो गया 3,116, तो ये हो गया 3,016, 9 और 1 10 घटा दिए, यहाँ पर देखो 0 का 0 0 का 0 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पर हो गया 216, 300 नहीं क्या लिखोगे 216, तो ये हो गया तुम्हारा 216। ये पैसा कमीशन काटने के बाद है, यानी 4% कमीशन काटने के बाद है, यानी ये वैल्यू है 96% का, तो टोटल 100% का वैल्यू कितना होगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा, यानी आपका वैल्यू आएगा तब कितना आएगा वैल्यू,
आएगा 2160 गुना 100 बटे 96 96। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, काट देंगे 25 बार में 25 चुका 100, 25 से काटेंगे 4 दुनी 4 से काट रहे हैं 4 दुनी 8 4 4 24 बार में। अब 24 को 216 से भाग दीजिएगा, तो अगर 2 से भाग दिए तो 12 इधर हो गया 108 00। अब 12 नमा 108 9 बार में यानी 900, तो 25 गुना 9 तो 0 का 0 25 8 200 होता है और 25 नमा 225 होता है 225, देखे कितना हो गया 20। ये रुपया उसके पास आया टोटल वैल्यू, यानी उसका पूरा वैल्यू आया था 22,500। तो बोलता उसकी बिक्री की टोटल राशि कितनी थी, तो हो गया 22,500 इधर और आपका 10,000 यहाँ का, तो टोटल वैल्यू यहाँ का 10,000, उसमें 9,500 कमीशन काटने के बाद है, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा कि इसमें 10,000 और है तो 10,000 और जोड़ेंगे तो 32,500, ये उसका टोटल वैल्यू होगा 32,500 ऑप्शन नंबर डी। तो पाला तो 10,000 का 5% कमीशन 9,500 31,100 कमीशन काटने के बाद का वैल्यू है 2,116, ये कितना का वैल्यू है कमीशन काटने के बाद 96। तो टोटल बिक्री कितना होगा 22,500 इधर 10,000 इधर, दोनों को जोड़ देंगे आंसर आएगा 32,500। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किसी आदमी एक वर्ष 2007 में इतना रुपया वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त किया, 2006 के वार्षिक वेतन में 10% अधिक है, तो 2006 में इसका कितना है, मतलब अभी उसका पेमेंट है 8,80,000 2007 में, और तुमसे पूछ रहा है 2006 का, मतलब एक साल पहले, और जब भी पहले होगा 100 को लिखेंगे ऊपर, बाद में 100 आता है नीचे, और पहले के मतलब 100 ऊपर, 10% अधिक था, मतलब 110 था। अब इसको 0 0 काट के हम बोल सकते हैं 11 8 88 800 गुना 100 यानी 80 देके 30, इसको कहा जाता 80,000, तो 80,000 हो जाएगा 8,000 कई 0 हो जाएगा 20, यहाँ वाला वो था 80,000 का वैल्यू, देखो 1 2 3 80,000 कई 0 हो जाएगा 30 है, 10 कटा है, तो 1 2 1 2 3 4 0 था, अच्छा 40 था, 40 में 10 कटा है तो अभी भी 30 बचा हुआ है, तो 80,000 ना होके 8,00,000, तो 8,00,000 के बाद है यहाँ पे देखो बी नंबर में दिया हुआ है, जनसंख्या 8,00,000 था, 10% बढ़ा था, 8,80,000 हुआ था। नेक्स्ट 100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तो 10% जब बढ़ा दिया गया तो उसका कीमत हो गया 110, और उसके बाद फिर 10% घटा दिया जाएगा, 10% घटाया मतलब 11 घटाया 99, तो 100 का वस्तु कितना में हो गया 99, तो कितने कुल वृद्धि कितने रुपया की हो जाती, कितने रुपया की टोटल वृद्धि हो जाती भाई, क्या होता बड़ा 10% और बढ़ा दिया जाता है, अच्छा इसमें बढ़ा दिया जाता है 2% और बढ़ा दिया जाता है, तो 10% और बढ़ा देते हैं तो 110 और 11 121 कर देते हैं, तो 100 का चीज अब 121 हो गया, तो तुम बोलोगे टोटल वृद्धि अब कितना परसेंट हो गया 21% हो गया, इसको क्या कहा जाता है वृद्धि बोला जाता है या इनक्रीज बोलो जो बोलो, ये टोटल बढ़ के कितना हो गया 21%, और ये ऑप्शन में है 21%, ऐसा नहीं कि 21% नहीं है। 98 में क्वेश्चन नंबर 99 में बोला दो संख्या किसी संख्या, तो पहला संख्या हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर, और ये हो गया थर्ड नंबर, तो तुमसे पूछा गया कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से मतलब 100 से 30 और 40% अधिक है, तो 30% अधिक का मतलब 130 और 40% अधिक का मतलब होता है 140, तो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का, दूसरी संख्या से पहली संख्या का यानी दूसरी संख्या का कंपैरिजन करना है पहली संख्या से, और परसेंटेज के लिए 100, 00 काट दीजिए तो 1400 बटा 13%, अब इसको भाग दे दीजिए तो वही आएगा 92/6/7%, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को वेद मतों का 55% वोट प्राप्त हुआ,
20% वोट अवैध थे, यदि वोटों की कुल संख्या 750 थी तो दूसरी उम्मीदवार को कितना वैध मत प्राप्त हुआ, वैलिड कितना हुआ। मतलब हम बात करते हैं कि यदि वैध मतों की कुल संख्या 50, मतलब टोटल वोट अगर हम बात करें, टोटल वोट, उस टोटल वोट का मतलब हो गया 100%। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 20% वोट अवैध हो गया, तो 20% अगर अवैध हो गया तो वोटिंग हुआ 80%, ये वैलिड हो गया, टोटल वोट हो गया ये, इसमें 20% इनवैलिड हुआ, तो वैलिड कितना हुआ, वैध मत जो है, वैलिड जो है, वैलिड जो है वो 80%। यदि वोटों की कुल संख्या 7,75 थी, कुल संख्या 7,500 थी, उस 7,500 मतलब कुल संख्या 100% का मतलब हो गया 7,500, ये दिया हुआ है, उसमें से 20% तुम्हारा क्या हो गया, इनवैलिड हुआ, तो 20% अगर इनवैलिड हो जाता है कितना में, 7,500 में, तो कितना हो गया, 1,500 वोट हमारा इनवैलिड हो गया, तो हमारा सही वोट आया 6,000। अब इस 6,000 में जीतने वाले को जो विनर हुआ वो 55% लाया, विनर जो जीता होगा, तो इसमें दो चीजों बट गया कि हमारा 6,000 जो वोट आया इसमें दो भागों में आया, एक विनर हुआ एक लूजर हुआ। तो विनर को अगर 55 लाया होगा तो निश्चित रूप से लूजर जो है वो 45% जरूर लाया होगा। तो तुमसे पूछा जा रहा है तो दूसरे उम्मीदवार जो लूजर था वह कितना लाया, तो तुम कुछ मत करो, 6,000 का 45% निकाल दो, आपका वही आंसर होगा, 0, 6×5=30 का 0, 6×6=24 और 3×27, यानी 2,700 वोट आपको लाया गया था जो लूजर था उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 99, और इसी के साथ 100 नंबर क्वेश्चन पे आता है, एक चुनाव हुआ 60% वोट करके इतना वोट विजय हुआ तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिला। तो देखो टोटल वोट, यहाँ पर भी बात वही किया है कि टोटल वोट अगर 100% है उसमें जो विनर हुआ उसको 60% मिला, तो लूजर को मिला होगा 40%, तो जीत और हार जो हुआ वह 20% से हुआ, जीत हार 20%, और यही 20% का वैल्यू दिया 1,400,000 वोट। तो तुमसे पूछा जा रहा है जीतने वाले को कितना मिला, तो जीतने वाले का तो 60% मिल रहा है, तो 60% का वैल्यू कितना होगा, तो देख सकते हो 20 का 60 तीन गुना है, इसको भी 3 से गुना कर दो, 42, देखिए 3,042,000 वोट, यानी 42,000 वोट है, यानी सी नंबर का। तो 1 से लेकर 100 तक का सॉल्यूशन एक्सरसाइज का, अगर आप रेलवे के एग्जाम, एसएससी ग्रुप डी, जीडी, एसएससी, सीजीएल किसी का एग्जाम देने जाते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर देख के जाइए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक वीडियो में और आप लोगों का 32 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा, और इस तरह से पूरा का पूरा आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होगा परसेंटेज का। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने स्टाइल में एक बार जोर से बोलिए जोहार झारखंड।